इस दुनिया में गरीबी और अमीरी का भेद सबकी नजरों में रहता है मनुष्य मनुष्य को गरीबी और अमीरी के आधार पर देखता है और उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता है शिव बाबा के पास भगवान के पास गरीबी और अमीरी का भेद नहीं है जब संगम युग आते हैं शिव बाबा आते हैं और गरीब और अमीर सभी बच्चों को समान प्यार करते हैं बहुत बहुत दुलार देते हैं सिर माथे बिठाते हैं बहुत आगे बढ़ाते हैं किंतु बाबा कहते हैं संगम युग विशेष गरीबों का भाग्य उदय हो जाने का योग्य है गरीब जो है वो बाबा के ऊपर बलिहार जल्दी चले जाते हैं बाबा उठाते तो साहूकारों को भी हैं, लेकिन उठते हैं गरीब अपना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर कर देते हैं और उनको बदले में कितने जन्मों की बादशाही मिल जाती है तो ये कितनी बड़ी बात है थोड़ा सा बाबा को देना और घना बाबा से लेना तो ये समझ ये अकल भी गरीबों के पास होती है तो आज बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय और नजदीक आ रहा है जिसका गायन है क्या गायन है किनकी दबी रहेगी धूल में किन की राजा खाए किन की चोर लूट कर ले जाए और किनकी आग लग जाए सफल मात्र उनका होगा जिन्होंने शिव बाबा के कार्यों में लगाया होगा बीज बोया होगा अपने आप को शिव बाबा के पास इंश्योर किया होगा तो आज बाबा गरीबों के ऊपर और विशेष प्यार दुलार लुटा रहे हैं तो हम सभी बहुत बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं तो हम संगम युग में साधारण रहे अगर हम भी आज की दुनिया के जो बहुत नामी ग्रामी साहूकार हैं, उनकी तरह होते तो आज इस प्रकार हम बाबा की धारणाओं पर न चल पा रहे होते अमृत वेला करना मुरली क्लास सुनना अटेंड करना और फिर यज्ञ सेवा करना जो भी बाबा हमसे करवा रहे हैं शायद हम ना कर पा रहे होते तो इसलिए हमें हमेशा अपने पाठ को देख देख खुश होना चाहिए हमारा पाठ सर्वश्रेष्ठ पार्ट है इस सृष्टि चक्र में और अब तो साहूकार भी उठ रहे हैं तो बाबा के पास तो दोनों के लिए समान भावना है समान प्यार है बाबा दोनों को उठाते हैं किंतु उठते जास्ती गरीब हैं। तो बाबा का इशारा क्या है कि जो कुछ है आपके पास थोड़ा थोड़ा भी उसको यज्ञ सेवा में लगाते जाओ यहाँ एक पैसा लगाओगे वहां एक लाख मिलेगा